जय यीशु परमेश्वर के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं इस दिन। आज हम पढ़ेंगे एफिशियंस अध्याय 5 पद संख्या 8 और 9। आप लोग पहले अंधकार थे, अब प्रभु के शिष्य होने के नाते ज्योति बन गए हैं। इसलिए ज्योति की संतान की तरह आचरण करें। जहां ज्योति है वहां हर प्रकार की भलाई, धार्मिकता तथा सच्चाई उत्पन्न होती है। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि ज्योति के संतान बनो, और जहां ज्योति है वहां धार्मिकता और हर एक चीज मिलता है। मेरे भाई और बहनों, वो ज्योति क्या है? वचन कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन परमेश्वर है, और वो हमारे जीवन की ज्योति है। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में पूरी तरह से निरंतर लेने देते हैं तो उसकी ज्योति हमारे जीवन में आती है, और जब उसकी ज्योति हमारे जीवन में आती है हम ज्योति के संतान बनते हैं, और हर एक चीज हमें धार्मिकता में लेके जाती है और हर एक चीज हमें मिलता है। तो आज मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर हमें ये याद दिला रहा है कि तुम जानो कि तुम कौन, तुम एक ज्योति के संतान हो, तुम एक रोशनी हो जो कभी बुझ नहीं सकता। जिस प्रकार मत्ती अध्याय 5 में हम पढ़ते थे कि परमेश्वर कहता है कि तुम इस संसार की ज्योति हो, तुम्हारा रोशनी दूसरों को प्रकाशित करना चाहिए। मेरे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हमें फिर याद दिला रहा है कि हम वो ज्योति है, और हमारा रोशनी हर एक व्यक्ति को प्रकाशित करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को महसूस होना चाहिए कि हमारे द्वारा परमेश्वर की आत्मा, जिस प्रकार हम पढ़ेंगे, जब परमेश्वर ने अपनी आत्मा को शिष्यों के ऊपर उतारा, वचन कहता है कि जब पीटर रास्ते में चलता था उसकी परछाई लोगों को चंगाई करती थी। अब इसकी परछाई लोगों को चंगा कैसा करती थी? क्योंकि वो एक ज्योति था, परमेश्वर की ज्योति उसमें थी, और उसके ज्योति के द्वारा परमेश्वर चंगाई, समार्थ, छुटकारा, ये सब चीज करते थे। तो मेरे भाई और बहनों, ये सब चीज हमारे जीवन में भी होगा जब हम ज्योति के संतान बनेंगे, जब परमेश्वर की ज्योति को हम अपने जीवन में पूरी तरह से निरंतर लेने देंगे। और ज्योति क्या है? उसका वचन परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर को हमारे शरीर के अंदर पूरी तरह से भरेंगे तो परमेश्वर की ज्योति हमसे लोगों की ओर निकलेंगी, और जिस प्रकार हमारा जीवन बदला है उसी प्रकार दूसरे का भी जीवन बदलेगा। पीटर को कुछ कहना नहीं पड़ा लेकिन उसकी परछाई ने वो काम कर दिया। उसी प्रकार जब परमेश्वर हमारे अंदर पूर्ण रूप से है, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर अपना ताकत हमारे द्वारा पूरी तरह से इस्तेमाल करेगा। तो इस सुबह मेरे भाई और बहनों, हम यही प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की ज्योति हमारे जीवन में पूरी तरह से निरंतर ले। हम अपने आंखों को बंद रखेंगे, अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे। हे पिता परमेश्वर, इस दिन के लिए धन्यवाद देते, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते। धन्यवाद परमेश्वर कि तू एक जीवन की ज्योति है, तू मार्ग, सत्य, जीवन है। तो आज परमेश्वर हम प्रार्थना करते कि अपनी ज्योति को हमारे जीवन में उतार, कि हम जो भी चीज करें परमेश्वर तेरे राज्य के लिए करें। जिस प्रकार हम पढ़ रहे परमेश्वर के हमें हर एक पापों से मुक्त कर, जिस प्रकार हमने कल पढ़ा था परमेश्वर, और कल प्रार्थना किए थे कि अपने पवित्र लहू से हमें शुद्ध कर, आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अपनी ज्योति को हमारे जीवन में डाल। जिस प्रकार परमेश्वर तूने अपने शिष्यों को अपनी ज्योति से भरा और उनके द्वारा तूने चिन्ह चमत्कार, छुटकारा प्रदान किया, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी ज्योति को हमारे जीवन में डाल, कि हमारा जीवन जिस प्रकार बदलेगा परमेश्वर, हम भी लोगों को बदल सके और तेरे राज्य के लिए लेके आए। यही प्रार्थना इस वे परमेश्वर एक परिवार के समान तेरे नाम से मांगते और कबूल करते हैं। आमेन। जय श्री।